गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, तो ये दोनों पायदान जो है ना, मैं धो के फैला दूँगी। पता क्या है, अंदर वाले रूम में है ना, मतलब भाई कच्चा है, बाहर झाड़ू लगाते हैं, पानी भी छिड़क लेते हैं, पर धूल तो जाती है, सब चीज़ों पर बैठती है। इस पर क्या हुआ, बच्चों ने कुछ खाया होगा तो चींटी आ गई। मैंने इसको ना सारे को, मतलब मैंने सोचा कि धो देती हूँ, पर ये बाहर दरवाजे पर जो डालती हूँ वो भी धोना था मुझे, गंदा हो रहा था। तो दोनों पायदान मैंने धो दिए और तार पे डाल दिए, सूख जाएंगे शाम तक। और अभी मेरे को भरना था कैंपर में पानी, मैंने पानी भर लिया है मेरा सुबह शाम, मतलब मुझे कैंपर का पानी चेंज करना ही करना है। वैसे तो मैं आधा कैंपर मतलब पानी का भरती हूँ, उससे क्या होता है जो दोपहर तक सारा पानी ख़त्म हो जाता है, दोपहर के बाद जैसे शाम में लाइट आती है फिर ताज़ा भर लेती हूँ। और अभी मैं लगा रही हूँ पोछा, सुबह का ज़्यादा काम मुझे रहता है उन्हीं को स्कूल भेजने का, और भाई झाड़ू पोछा नाश्ता ये सब करने का। 8 बजे का उसका स्कूल है, 6 बजे मैं उठ जाती हूँ, कभी 5:30 6, बस ये टाइम है मेरा उठने का, इससे ज़्यादा लेट नहीं। उस टाइम उठ के फिर मैं बच्चों को मतलब उठाती हूँ, कोलगेट वगैरह कराती हूँ इनको, और अपनी को फ्रेश होने के लिए भेजती हूँ। फिर उसको थोड़ा एक आध घंटा बैठ के आराम से पढ़ लेती है, और फिर उसको 7:30 बजे मैं मतलब नाश्ता करा के रेडी कर देती हूँ स्कूल जाने का। बस से आधा घंटा पहले बस स्टोर पर पहुँचना होता है। और अभी अवनी जा चुकी थी, मैं लगा रही हूँ पोछा। तो पोछा लगाने के लिए मुझे थोड़ा सा वो पड़ता है कि मेज़ के नीचे को अच्छे से, संदूक के नीचे से अच्छे को हाथ खूब दूर तक हाथ जाए, अच्छे से पोछा लग जाए, क्योंकि है ना फिर अलग अलग बिल्कुल अलग दिखाई देता है, और ऐसे धूल बैठी रहती है, गंदा लगता है बहुत। मतलब मैं जहाँ तक मेरा हाथ जाता है मेज़ के नीचे अच्छे से, संदूक के नीचे अच्छे से पोछा लगा के लाती हूँ। डेली का काम है पोछा लगाने का, और पोछा मैंने लगा दिया, और मैं फिर रही हूँ अभी गोबरी। पता मुझे ये कमेंट्स भी आता कि आप अवनी को स्कूल नहीं भेजते, तो ऐसा नहीं है, अवनी स्कूल जाती है। पता क्या होता है, मेरे घर के पास में पास वाले बच्चे भी हैं जिनके स्कूल का टाइम है ना, वो कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, ऐसा चलता रहता है। तो वो बच्चे भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, मेरी एक आधी आके वीडियो शूट कर देते हैं, या फिर स्कूल ना गए हों आ जाते हैं कि आंटी लाओ हम शूट कर देंगे। मैं खुद भी शूट करती हूँ, ऐसा नहीं है कि अपनी घर पे रह के मेरी वीडियो शूट है। और मेरे सिर में जो है ना लिवोन लगा रही थी, लाओ मम्मी आपके सिर में लगा देती हूँ। ओ माय गॉड, यहाँ पे बच चुकी है अभी बारिश, आप देख ही सकते हैं किस तरह की बारिश पड़ रही है, आंधी चल रही है बहुत ज़्यादा। आप जाओ मम्मी को लेके कपड़े, बारिश का कोई टाइम नहीं पता चलता कब आ जाएगी, तो अभी तो आई है बारिश, जब से तो आंधी चल रही थी, जब से मैं बाहर आई, जब मैंने देखा तो देखे इसका, चलो आपको बारिश जैसे देखे इसका भी यहाँ पर पड़ रही है बारिश, और मम्मी उतार रही है अभी कपड़े, देखे जाए तो जा रही थी, आ गई है कुछ, चलो भागते हैं। देखे इसका किसी की छत तक वो आप कपड़े नहीं दिख रहे होंगे, हमने तो नीचे ही सुखाते हैं, देखे इसका कहीं भी कपड़े दिख रहे हो तो आपको। कपड़े हैं ना मैंने धुले थे ना कल, इनकी तय बना के यहाँ रख दी, शाम को लगाऊंगी, अब तो नहीं लगाऊंगी फिलहाल, अभी हाल फिलहाल तो लगानी है मुझे झाड़ू। एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ, बहुत जो है ना गंदा हो जाता है, सुबह और तीसरे पैर की झाड़ू मेरी कहीं नहीं गई, इस टाइम तो लगानी लगानी है। देखो बच्चों ने क्या करा, बच्चे ये करते रहे कुछ ना कुछ। अभी मैं बैठ गई थी सिलाई का काम करने के लिए, झाड़ू मैंने लगा दी है। तो ये ब्लैक वाली कुर्ती आपने मेरी देखी भी होगी, लॉन्ग वाली कुर्ती है ये, और इसे काफ़ी टाइम हो गया, मतलब ऐसे ही रखी हुई थी, तो मैंने आज इसको काटा है, मैं इसका कुछ और बनाने वाली, इतने टाइम से मतलब मैं इसे पहन नहीं पा रही थी, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने की वजह से फिर आप लोगों को अच्छी भी नहीं लगती है कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, आपके अच्छी नहीं लगती दीदी, ज़्यादातर आप लोग सूट सलवार पसंद करते हो कुछ, पर कुछ कपड़े मेरे अपने मन के भी पहनने को करता है। तो मैं इसको कुछ इस तरह की कुर्ती बना रही हूँ, उसका लुक जो है पूरा चेंज कर दूँगी, एक दिन पहन के तब आप लोगों को मैं दिखाऊँगी, बहुत अच्छी लगने, एक तरह की सूट भी बन जाएगी और सुंदर भी लगेगी, मतलब इसको आराम से प्लाजो के ऊपर हम पहन सकते हैं, या फिर जींस के ऊपर पहन लें, या फिर हम इसको ब्लैक कलर की
ट्राउज़र ले लो, मतलब जो है पैंट प्लाजो ले लो, कुछ भी उस पर डाल सकते हो। तो मैंने ना नीचे की जो लॉन्ग थी वो भी ऐसे वेस्ट नहीं करी, उसको जोड़ के जो मैंने नीचे से काटा है उसको जोड़ जोड़ के मैंने इस तरह से ये कुर्ती बना दी है, बहुत सुंदर लग रही है। तो मैंने उपासना को पहना कर भी देखी थी कि दीदी बहुत सुंदर लग रही है, आपने इस कुर्ती का लुक जो है ना चेंज कर दिया। यहाँ अमनी और कायरव जो है ना खेल रहे थे, कायरव ये मेले में से एक बत्तख सी लाया था, इसकी गेंद बना रखी है और खेल रहा है। बस एक ही डंडी है ना हाथी में लगी हुई थी, मतलब जो है चलाने का था, उसको निकाल के इससे बस अभी उपासना के साथ खेल रहा था। और यहाँ मेरी वीडियो उपासना ही शूट कर रही थी। आप लोग कहते हो कि अवनी घर पे रहती है तो कभी अवनी कह रहे हो। अच्छा रुको रुको, अच्छा कल आप मेरे को क्या पढ़ा रहे थे? अच्छा रुको, तो देखो तो इसमें देखो क्या है। आज हम बनाएंगे खाने में दाल मखनी। तो सबसे पहले मैंने इसमें उड़द और ये राजमा दोनों चीजें डाल दी हैं, इसको उबाल लेते हैं। दाल मखनी भी कर लेते हैं तैयारी। तो मेरी मिक्सी भी खराब हो गई है, फिर से मिक्सी में दिक्कत हो रही है, शायद उसकी जो डोरी है वो चेंज नहीं रही है, बार बार परेशान मुझे कर रही है। और दूसरी साइड जो है ना ये जो प्याज काटने की मशीन थी ये भी टूट चुकी है, तो मैं चोपर पर ही मतलब जो है प्याज काट लूँगी और एक टमाटर काट लूँगी। तो कान्हा जी को और गणेश जी को भोग लगाने के लिए फिर मैं कुछ और सब्जी बनाऊँगी या फिर मतलब किसी और चीज़ का भोग लगाऊँगी। तो प्याज जो है इतनी ज़्यादा जल जली थी कि मतलब मेरी आंखों में इतना ज़्यादा पानी आया प्याज काटते समय, बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी मैं ज़्यादा बारीक नहीं, ज़्यादा मोटी नहीं, मीडियम रखूँगी। और प्याज और टमाटर दोनों चीज़ें मैंने काट ली, मेरी आंखों का बुरा हाल हो गया, काफ़ी देर तक बहुत पानी चला। मैं ना लहसुन छील रही हूँ, तो प्याज लहसुन डाल के मैं तब बनाऊँगी आज ये सब्ज़ी। मसालेदानी में कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे, वही मैं गाल रही थी। मैंने गैस का चूल्हा पिछले कुछ दिनों से नीचे ही रखा हुआ है, आराम से बैठ के खाना बना लेती हूँ। इतना ज़्यादा नहीं बनता, बस स्लीपर जगह नहीं है। यहाँ पर मैंने कर दिया दाल मखनी छोंकने की तैयारी, गैस पर रख दिया कढ़ाई, उसमें ऑयल डाल दिया। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे लहसुन प्याज। जीरा भी ख़त्म हो रहा है, ऑयल भी ख़त्म हो रहा था और थोड़ा सा ही था। वैसे भी हम लोग कम खाते हैं मतलब ऑयल सब्जी में डाल के, क्योंकि मेरे को तेजाब बनना शुरू हो जाता है, पर ये कुछ ज़्यादा ही कम था क्योंकि ऐसी सब्ज़ी में कुछ एक्स्ट्रा लगता है तरी के हिसाब से। तो फिर भी चलो बन जाएगी, तरी थोड़ी कम ही बन पाएगी। पता है जब सब्जी में अगर तेल एक्स्ट्रा हो तो तरी अलग से दिखाई देती है। अभी इसको अच्छे से मैं भून लूँगी, उसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूंगी। इसका जब तक थोड़ा सा कलर चेंज नहीं होता तब तक मैं इसको करती रहूँगी। कढ़ाई थोड़ी भारी है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, हल्की कढ़ाई हो तो बहुत जल्दी हो जाता है और गैस पर तो एक्स्ट्रा लगती है। यहाँ मैंने आज थोड़ी सी गोबरी भी फेरी थी, कई दिन से मैं मतलब मैंने फिरवाई थी जन्माष्टमी पर दीदी से, और मैंने सोचा कि अब यहाँ फेर देती हूँ धीरे धीरे करके ना, दोनों जगह फेर है। छोंक मेरा हल्का हल्का सा है ना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। और मैंने थोड़ी सी मलाई रखी हुई थी फ्रिज में, वो भी मंगवाई है उपासना से, ये आज की दूध की ताज़ी ही मलाई है। तो क्रीम का भी यूज कर सकते हो, तो मैं मलाई का यूज करने वाली हूँ। तो अभी देखिए मेरा छोंक काफ़ी हद तक पक चुका है, बस थोड़ा सा और इसको भून लेते हैं। जैसे ही हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ मैंने इसमें डाल दिए टमाटर। जी हाँ, मतलब मिक्सी ख़राब होने की वजह से बहुत दिक्कत मुझे पड़ रही है, मिक्सी सही करानी पड़ेगी, शायद उसकी कोई डोरी जो है वो गड़बड़ कर रही है। और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक चम्मच हल्दी, फिर एक चम्मच नमक और धनिया, छोटी दो चम्मच में धनिया की डाल दो। गरम मसाला हम नहीं डालेंगे क्योंकि गरम मसाला बादाम वगैरह हम लोगों को बहुत नुकसान देते हैं, हम लोग गरम चीज़ बिल्कुल नहीं खाते। मिर्ची भी बंद कर दी, तो जैसा फिर खाने लगता है ना आदमी वैसी ही आदत बन जाती है। जैसे ही मसाले पके मेरे मैंने इसमें डाल दिए मलाई, इसको मैं तब तक चलाती रहूँगी बहुत अच्छे से, तब तक इसमें ना अच्छे से बबल्स ना आ जाए वरना फट जाएगी। और अभी कायरव बाबू जो खेल रहे हैं, ये देखो पता नहीं कैसी डब्बे का कवर सा था उसको सर में गाल के खेल रहा, फिर फंस गया, फिर रोने लगा, फिर निकाला। और अभी मैं चावल बना रही हूँ, ये ना इन चावलों को पता क्या है थोड़ी सी देर पहले भिगो के रख दे और फिर बनाए जल्दी से उबल जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात एक एक चावल का दाना मतलब खिल जाता है, आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। दाल मखनी हमारी तैयार है
और हमारे जो है ना चावल बनने लग रहे हैं। चलिए फिर, खाना शाम का मैंने रेडी कर लिया। मैंने बोला था कल, मैंने ना घी को तहा कर फ्रिज में रख दिया, चाय निकाल के थोड़ी सी आंच लगा दूँगी, तो वही सेम चीज़ मैं आज कर रही हूँ। बहुत झटपट से घी बनकर तैयार हो जाता है और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये सबसे आसान तरीका है घी गर्म करने का। चावल बन चुके हैं, ये देखो एक एक चावल अलग अलग खिला खिला दिखाई देता है। अगर हम चावल को 10-15 मिनट पहले भिगो के रख देते हैं तो मेरी दाल मखनी चावल दोनों रेडी है। और मेरे को भी है ना खाने की प्लेट लगानी है, उससे पहले मुझे करनी थी जोत। जी हाँ, मैंने जोत कर दिया कान्हा जी की और गणपति जी की। बच्चों के लिए खाने की प्लेट लगा दिया, खीरा काट के दे दिया, खाना दे दिया दोनों बच्चों को, तो दोनों बच्चे पहले खाना खा लेंगे। मेरा क्या काम है, देखो गोपाल जी और गणपति जी को भोग लगाती हूँ पहले, फिर बच्चों को देती हूँ, लास्ट में अपने आप खाती हूँ। क्योंकि मेरे घर में ये बार गणपति जी भी हैं और भाई गोपाल जी तो है ही, उन सबको भोग लगाने के बाद में, इन सबको खिलाने के बाद में मैं खाती। कुछ बर्तन मैंने साफ़ किए थे, उनको मैं टोकरे में लगा दूंगी और दूध रख दूंगी उबलने के लिए, बस फिर मैं भी खा लूंगी खाना। देखिए बत्तख के साथ खेल रही थी मैं, इसकी वीडियो शूट कर रही थी, इसको पता ही नहीं था कि मम्मी मेरी वीडियो बना रही है। ये कायरम मेले में से बत्तख लाया था, ये बजती है, पी पी करती है कुछ इस तरीके से पूरे दिन, मतलब जब पढ़ाई में लगी रहती है इसको पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है पढ़ने में, क्योंकि स्कूल में बहुत काम मिल रहा है, रीडिंग करनी है, लिखना है, तो उसमें बहुत परेशान सी रहती है। कभी कभी तो ना लिखती लिखती सो जाती है, मम्मी मैं जो नींद आ रही है, और बस ऐसे पढ़ती पढ़ती सो गई। फोन आ रहा, फोन आ रहा, फोन खेल ले, फोन कर ले, कह रहे हो फोन कर लो आप। खाना पीना हो गया, बर्तन वगैरह सारे काम मेरे खत्म हो चुके थे, तो कुछ ये चावल हैं जो मतलब सरकार की ओर से कोटे में मिलते हैं, जैसे भाई रिफाइंड मिलता है, चने का पैकेट और चावल गेहूं, ये सब सरकार की ओर से जो भी मिलता है, तो मैं एक डब्बा चावल जो है ना भर के रख लूँगी, जो एक्स्ट्रा बचेंगे उसे दूसरे डब्बे में कर लूँगी, तो हम लोग ये चावल खा लेते हैं, इनकी खीर में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। देखो हमारे इतने ज़्यादा वो नहीं है कि हम भाई मोल के ही खाएंगे, जैसा देखते हैं वैसा कर लेते हैं, जैसा हिसाब देखा वो कहानी है, जैसा देश वैसा भेस, तो एक डब्बा भर के रख लिया। इनको ही तो बोल रही थी मैं थोड़ी देर पहले भी भिगो के रख दो तो बहुत अच्छे बनते हैं, और मैंने बनाई थी, तो शायद सुबह के खाने में क्या बनाएंगे, या तो फिर भुजी बनाएंगे या फिर आलू टमाटर की सब्जी या दाल, जो भी देखते हैं वो तो टाइम पर पता चलता है कि क्या बनाने वाले हैं। अभी वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट।